हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस क्लासेस आई एम गौरव सोई नरब सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एम्पेरिकल रिसर्च वर्सेस कंसेप्चुअल रिसर्च ये एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैं वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैंने एम्पेरिकल रिसर्च और कंसेप्चुअल रिसर्च दोनों बहुत डिटेल में समझाया हुआ है साथ ही साथ उनका डिफ्रेंस भी बताया है तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा बिफोर गेटिंग इन टू इट आई वुड लाइक यूल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज एंड हिट द बेल ऑन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमारी वेबसाइट भी है रिसर्च पी एच डॉट इन जहाँ पर हम डेली बेसिस पे पी एच डी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पी एच डी एडमिशन्स ओपन है उसकी जानकारी या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट रिसर्च पी एच डी डॉट इन पर मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारा टेलीग्राम चैनल भी है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे हम प्रीमियर करते हैं और हमारा फेसबुक पेज भी है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स अगर आप नेट जे या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स का कम्प्लीट कोर्स करवा रही हैं अन अकेडमी और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के दस बजे डेली अन अकेडमी पे तो आप उनको जरूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज कोड नव क्लासेस जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर वन क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफर कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कॉन्टेंट इन बुक्स में मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को purchase करना चाहते हैं तो चलिए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और यहां पे हम एम्पेरिकल रिसर्च और कंसेप्चुअल रिसर्च दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं साथ ही साथ उनका डिफरेंस भी देखने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं एम्पेरिकल रिसर्च के बारे में एम्पेरिकल रिसर्च में जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं वो स्ट्रिक्टली बेस्ड होते हैं वेरीफिएबल एविडेंस के ऊपर मतलब हम यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हैं है ना ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को उनको मेजर करते हैं उसके बाद ही जो है हम कंक्लूजन निकालते हैं इज इट क्लियर और किस तरीके से हम एम्पेरिकल एविडेंस गैदर करने वाले हैं बिकॉज इन दिस रिसर्च द एंटायर कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन वेरीफिएबल एविडेंसेज और ये एविडेंस कैसे हम कलेक्ट करेंगे थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव मार्केट रिसर्च मेथड्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च मेथड्स की तो इसमें हम सर्वे रिसर्च कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं कोरिलेशनल रिसर्च कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्रॉस सेक्शनल कॉजल कंपेटिव रिसर्च ये सारे के सारे जो है रिसर्च हम कर सकते हैं अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स लगाना चाहते हैं तो और अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स लगाना चाहते हैं तो उसमें हम केस स्टडी ऑब्जर्वेशनल मेथड वन टू वन इंटरव्यू फोकस ग्रुप्स टेक्स्ट एनालिसिस और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अंडर क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च मेथड्स एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू गैदर वेरीफिएबल एविडेंसेस इसके बाद हम बात करें अगर डाटा कलेक्शन की तो हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस और बाय यूजिंग कैलिब्रेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इज इट क्लियर और ये जो एम्पेरिकल रिसर्च है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टुडेज़ वर्ल्ड बिकॉज ज़्यादातर लोग जो है ये बिलीव करते हैं उन चीज़ों को जो वो अपनी आँखों से देखते हैं या फिर सुनते हैं या फिर एक्सपीरियंस लेते हैं इज़ इट क्लियर सो दोज एविडेंसेस आर मच मोर रिलायबल इसीलिए एम्पेरिकल रिसर्च की बहुत ज़्यादा जो है आज की डेट में इम्पोर्टेंस है और एम्पेरिकल रिसर्च से हम हाइपोथेसिस की वैलिडिटी को पहचान सकते हैं ह्यूमन नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारी फील्ड है उसमें हम न्यू थ्योरीज़ या न्यू नॉलेज भी एड ऑन कर सकते हैं इज़ इट क्लियर तो एम्पेरिकल रिसर्च को अगर मेरे को शॉर्ट में समझाना हो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एम्पेरिकल रिसर्च में हम कंक्लूजनस ड्रॉ करते हैं थ्रू वेरीफिएबल एविडेंसेज और ये एविडेंसिस को हम कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च मैथड्स और इसके अंदर मैंने आपको बताया कौन कौन से क्वालिटेटिव और कौन कौन से क्वान्टिटेटिव मैथड्स जिससे हम जो है एम्पेरिकल एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद स्टेप्स क्या क्या होते हैं स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं सबसे पहले आपको पर्पस ऑफ द रिसर्च डिफाइन करना है देन जो भी उससे रिलेटेड लिटरेचर अवेलेबल हैं या जो भी सपोर्टिंग थियोरीज हैं उनको आपको जो है पढ़ना है उनको जो है एक तरीके से गो थ्रू करना है उसके बाद आप हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे देन रिसर्च मेथडोलॉजी किस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करने वाले हो है ना सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी आप यूज़ करोगे ये सारी की सारी चीज़ें हम रिसर्च डिज़ाइन के अंदर करते हैं और उसके बाद हम डाटा एनालिसिस करते हैं डाटा एनालिसिस करने के लिए हम क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों मेथड्स यूज़ करते हैं फॉर डाटा एनालिसिस एंड एट लास्ट हम कंक्लूड करते हैं सो दीज आर दी स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग एम्पेरिकल रिसर्च ये है एम्पेरिकल रिसर्च मैथडोलॉजी साइकिल इसमें सबसे पहले हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम थोरीज़ बनाते हैं अंडर इंडक्शन और इंडक्शन में जो थ्योरीज़ बनाई गई हैं उसको हम अप्लाई करते हैं डिडक्टिवली और डिडक्टिवली अप्लाई करने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं और लास्ट में हम उसको इवेलुएट करते हैं इज इट किया मतलब जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया था या जो भी वेरीफिएबल एविडेंस से हमने ऑब्जर्वेशन किया है वो नेचुरल सेटिंग्स में अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ये हम इवेलुएट करते हैं तो ये है एम्पेरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी साइकिल चलिए आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की तरफ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज़ टोटली रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट इसमें हम क्या करते हैं इस पर हम जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं एंड देन एनालाइज करते हैं इस पर हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल नहीं करते और जो ऑलरेडी टॉपिक दिया हुआ है जो ऑलरेडी लिटरेचर अवेलेबल है है ना उसको ही हम सिर्फ एनालाइज और ऑब्जर्व करते रहते हैं और सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका फिलोसॉफिकल रिसर्च एंड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च हमें मदद करता है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अगर इजी वर्ड्स में मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो होता है इसमें हम रिसर्चर्स की ऑब्जर्वेशन ऑन सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च इस पर तो फोकस करते ही करते हैं साथ ही साथ जो नॉलेज हमने गैदर की है फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज़ उस पर भी फोकस करते हैं बट अगर हम एम्पेरिकल रिसर्च की बात करें तो एम्पेरिकल रिसर्च में हम टोटली totally डिपेंडेंट होते हैं वेरीफिएबल एविडेंसेस के ऊपर मतलब हम खुद ऑब्ज़र्व करके खुद एक्सपीरियंस करके हम जो भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं उसको हम ऑब्ज़र्व एंड देन एनालाइज करते हैं अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेपचुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च सबसे पहले अपन कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज़ टोटली बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट वेर एज अगर मैं एम्पेरिकल रिसर्च की बात करूँ तो एम्पेरिकल रिसर्च जो होता है इसमें हम वेरीफिएबल एविडेंसेज जो होते हैं उसको हम ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं मतलब इसमें हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में जैसे कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते हैं वेयर एज एम्पेरिकल रिसर्च में हम उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया एम्पेरिकल रिसर्च में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन होता है फिलोसोफिकल रिसर्च इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च में हम बोथ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डू दी रिसर्च सो दिस वॉज द कम्प्लीट वीडियो ऑन कॉन्सेप्चुअल रिसर्च वर्सेज एम्पेरिकल रिसर्च आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए जिससे इसी मोटिवेशन से तो आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहे कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं डेफिनेटली हम उसको कंसीडर करेंगे एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए सो थैंक यू सो मच फर ए टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हमारा जो रिसर्च एंड पी एच डी सक्सेस क्लासेज है ये किस तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको वेबसाइट पर लेके आया हूँ उस वेबसाइट में आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो मिलेंगी फर्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ दू आर पी एच डी एंड रिसर्च इन विच यू विल गेट ऑल दी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पी एच डी इन एंड एम फिल एज वेल एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन करियर कॉर्नर यू विल गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग असटेंट प्रोफेसर वैकेंसीज and associate professors and professor vacancies and in this quiz section you will get daily quizzes which will help you in increasing your knowledge if you are preparing for uh, net jrf or for any of the पी एच डी और एम फिल एन्ट्रेंस एग्जाम एंड ए लर्निंग सेक्शन यू विल गेट ऑल दी डी एफ्स जिसप भी हमने वीडियोज बनाई हुए हमारे यूट्यूब चैनल में वो सारी सारी पी डी एफ्स आपको लर्निंग सेक्शन में मिल जाएंगी वीडियो चैनल्स में आपका मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपका सोलूशन जो है वीडियो चैनल जो टैब है इस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है और कॉन्टेक्ट में आप हमें मेल uh, कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन टू डे टू डेज एंड अबाउट सेक्शन में आप हमारे बारे में जान सकते हैं इसके अलावा Uh, हमारा YouTube चैनल जो है इसके बारे में बता देता हूँ हमारे YouTube चैनल में आपको ये प्लेलिस्ट लिस्ट यहाँ पर नज़र आ रही होगी इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली आप देखिए क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी जो है uh, टॉपिक्स के ऊपर हमने एक कलेक्टिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है जैसे कि पी एच uh, के ऊपर साथ ही साथ नेट जे के ऊपर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर जिससे जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की जो भी कॉन्सेपचुअल वीडियोस है वो हमने एक्यूमिनेट किए हैं स्टैटिस्टिक्स के कन्सेपचुअल वीडियोस हमने एक्यूमिनेट किए हुए हैं और ऐसे बहुत सारी प्ले लिस्ट हैं तो ये ये हमारे यूट्यूब चैनल के जैसे ही आप आ, होम पेज पर जाते हैं तो आपको ये प्ले मिलेगी और वहाँ पर आप जो है इन वीडियोज़ को देख करके अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे भी आपको सारी की सारी लिंक्स जो होती हैं बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें प्रीमियर जब होता है या जब लाइव क्लासेस होती हैं तो हमें कभी भी लिंक नहीं मिलती तो आप सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज को या फिर टेलीग्राम जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और साथ ही साथ रिसर्च पी एच डॉट इन जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप इन दिनों को फॉलो कर लीजिए जिससे जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं जो भी हम अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं वो आपको तुरंत मिल जाती है तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू प्रोवाइड थैंक यू सो मच